नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी विद में स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट की। यदि आप यूपीपीसीएस या बीपीएससी या यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। आज हम सब्जेक्ट करेंगे ज्योग्राफी ऑप्शनल की, क्योंकि मेरा भी ज्योग्राफी ऑप्शनल है इसलिए मैं चर्चा इसकी कर रहा हूँ। यदि आप यूपीएससी की एग्ज़ाम देते हैं या बीपीएससी या यूपीपीसीएस, तो ऑप्शनल ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपका ज्योग्राफी यदि ऑप्शन तैयार हो जाता है तो आपको जीएस मैं आपको बहुत ही मदद मिलेगी, आपको आसान हो जाएगा, आपको कम मेहनत करना पड़ेगा। पहले अंकों की बात कर लें, यूपीएससी में जो है इसको 500 अंकों का होता है। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ये 500 अंकों का होता है। और यूपीपीसीएस की बात करें तो ये 400 अंकों का होता है, 400 अंकों का और पेपर 1 और पेपर 2। और बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में जो है ये 300 अंकों का होता है। यदि आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो इसमें जो है ऑप्शन सर्वे 300 अंकों का होगा, और सिर्फ एक ही पेपर होगा, सिंगल पेपर होगा, यह सिंगल पेपर होगा, सिर्फ आपको 300 अंकों का होगा। और यूपीपीसीएस में ये 400 अंकों का है, दो दो 200 अंकों का, एक पेपर 200 और एक पेपर 200, यानी 400 अंकों का। वहीं यूपीएससी में जो है यह 500 अंकों का है, फर्स्ट और सेकेंड, यानी 250-250 अंकों का। दोस्तों यदि आप ज्योग्राफी ऑप्शन रखते हैं तो आपको आपको जीएस में जो है एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। जो फर्स्ट पेपर है जीएस का, मेंस पेपर का, जीएस का फर्स्ट पेपर में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ही आसान लगेगा। क्योंकि आपको एक तो जीएस में और ऑप्शनल में दोनों एक ही सब्जेक्ट है। यदि आप अलग कोई सब्जेक्ट रखते हैं या कोई जो जीएस के पेपर से अलग कोई सब्जेक्ट रखते हैं तो आपको दोहरी मेहनत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको जीएस में भी उसको संभालना है और ऑप्शन भी संभालना है। तो यदि आप ज्योग्राफी ऑप्शन लगते हैं तो आपको जीएस के साथ साथ आपको जो है ऑप्शनल आपका जो है मजबूत होगा, और आपको जीएस में एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा आपको लेबर करने की जरूरत नहीं है। आइए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बुक लिस्ट। यदि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस 2020 की या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2020 की, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है 2020 और बीपीएससी 2020, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आप यूपीपीसीएस की 2021 की भी तैयारी करते हैं, नए हैं, यदि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी रखना है तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और ये देखिए बुक लिस्ट फॉर फॉर जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर के लिए। देखिए सबसे पहले पेपर 1 में क्या आता है, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, और दूसरे पेपर में आपको हो इंडियन ज्योग्राफी। तो यदि आप नए हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी रखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना चाहिए, तो फर्स्ट पेपर में आपको जो है फिजिकल ज्योग्राफी में, यदि आप शुरुआती में हैं और आपके लिए सब्जेक्ट नया है और रखना आपको जीएस में भी, आपको जिसे आपको जीएस में मदद मिल सके, तो आप पहले जो है एनसीईआरटी 9 to 12 जो है न्यू और वर्ल्ड दोनों पढ़ें। यदि आप ज्योग्राफी ऑप्शन रख रहे हैं तो आपको 9 से लेकर 12 तक जो है नई और पुरानी वाली दोनों एनसीईआरटी पढ़नी होगी। और जो है रेफरेंस बुक में आपको सविंदर सिंह की किताब ले लीजिए, भौतिक भूगोल का स्वरूप के नाम से आता है, उसको पढ़ लीजिए। भौतिक भूगोल स्वरूप में आपको तीनों मिलेंगे। तो फिजिकल ज्योग्राफी में पहले आप एनसीईआरटी की 9 से लेकर 12 तक नई और पुरानी दोनों वाली, और रेफरेंस बुक में आप सविंदर सिंह की किताब ले लीजिए, भौतिक भूगोल का स्वरूप जो है, भौतिक भूगोल का स्वरूप जो है, स्वरूप भौतिक भूगोल का स्वरूप, ये आपको सविंदर सिंह की मिल जाएगी। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए जो है, मानव भूगोल के लिए जो है, माजिद हुसैन फॉर ह्यूमंस प्रोस्पेक्टिव, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मॉडल एंड थ्योरी के लिए जो है के सिद्धार्था, या तो माजिद हुसैन या जो है माजिद हुसैन की ले सकते हैं। मॉडल थ्योरी के लिए के सिद्धार्था या माजिद हुसैन ले सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए। और इंडियन ज्योग्राफी के लिए पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें 9 से लेकर 12 तक, और नई और पुरानी दोनों पढ़ लें। और रिफरेंस बुक की यदि मदद लेना है तो डी आर खुल्लर की किताब आती है एनसीईआरटी की, उसको पढ़ लीजिए पहले आप। उसके बाद एक किताब आती है मोटी वाली, तो पहले आप डी आर खुल्लर की एनसीईआरटी पढ़िए 11 और 12 वाली। फिर भारत के भूगोल के लिए आप जो है आर सी तिवारी की किताब पढ़ लीजिए, या माजिद हुसैन की आती है भारत का भूगोल, माजिद हुसैन से आप आर सी तिवारी या माजिद हुसैन ही पढ़िए। और पहले तो आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए पहले एनसीईआरटी की बात, तुरंत पहले आप डी आर खुल्लर की किताब पढ़ें, उसके बाद ही आर सी तिवारी या माजिद हुसैन ही पढ़िएगा। उसके बाद जो है मैगजीन में जो है आप भूगोल, और आप आती है ज्योग्राफी एंड यू आती है, उसको पढ़िए। यदि आप ज्योग्राफी ऑप्शन रखते हैं तो आपके लिए जो है ज्योग्राफी एंड यू, यानी भूगोल और आप, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में आप डाउन टू अर्थ भी देख सकते हैं,
और ऑलवेज इंपॉर्टेंट सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमेशा जो है आप जो है सिलेबस के अनुसार ही पढ़ें, जो सिलेबस में लिखा है सिलेबस को जो है अपने रूम में आप चिपका लें। सिलेबस जो है चाहे बीपीएससी दे रहे हैं, चाहे यूपी दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी, सबका सिलेबस जो है आप रूम में अपने रखें, चिपका लें, सामने डेली देखें, उसके अनुसार ही पढ़ें। और पुराने पेपर को भी अध्ययन करें, पुराने पेपर में देख लें कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उन्हीं टॉपिकों को ज़्यादा कवर करें। मैं भी जो है ऐसे ही पढ़ता हूँ, आपको बता रहा हूँ। मैंने जो है ऑप्शनल ज्योग्राफी जो है कुमार गौरव सर से पढ़ा हुआ है। तो आप देख, पहले आप जो है इन सबको पढ़ें और साथ में सिलेबस भी रखें। सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस साथ में रखें, उनको देखते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें। तो पेपर वन के लिए, पेपर टू के लिए यहाँ पर आपको डिस्कस हो चुका है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए पहले 9 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ें, इसके सिवा जो कुछ भी मत पढ़िए। रेफरेंस बुक में सविंदर सिंह की किताब पढ़ लीजिए, भौतिक भूगोल का स्वरूप आता है। और ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन, फॉर ह्यूमन प्रोस्पेक्टिव के लिए मॉडल्स एंड थ्योरी के लिए की सिद्धार्थ या माजिद हुसैन। पेपर टू के लिए इंडियन ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी 9 से लेकर 12 तक, और रेफरेंस बुक में पहले आप एनसीईआरटी की किताब पढ़ें 11 और 12 की, 11 और प्लस 12 की किताब पढ़ें। डीआर खुल्लर की आती है, सरस्वती पब्लिकेशन के नाम से आती है, उसको पढ़िए। और उसके बाद जो है आप आरसी तिवारी भारत का भूगोल पढ़ लीजिए, या तो माजिद हुसैन भारत का भूगोल पढ़ लीजिए। मैगजीन में यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना रख रहे हैं तो आपको भूगोल, और आप एक मैगजीन आती है प्रति महीने, उसको पढ़ना होगा। जो नए नए रिसर्च होते हैं या कोई बहुत सारे ऐसे घटनाएं होती हैं जो अन्य मैगजीन में नहीं आते हैं, यहाँ पर भूगोल और आप में आपको मिल जाएंगे। तो दो पेपर यदि शुरुआती में आप ज्योग्राफी ऑप्शन सब्जेक्ट रख रहे हैं तो पहले शुरुआती में आप इनको पढ़िए, इनको और जितने भी सारे एनसीईआरटी के साथ रेफरेंस बुक बताए हैं इनको पढ़ लीजिए। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, ऐसे तैयारी कर रहा हूँ। मैं यूपीपीसीएस और बीपीएससी दोनों को मेंस दे चुका हूँ और इसी तरह से पढ़ा हूँ जैसे आपको बता रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कुछ जो है इंपॉर्टेंट किताबें हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी ऑप्शन की कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। देखिए, किताब तो मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन हमें उन्हीं किताबों को चुनना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। जो भी ज्योग्राफी ऑप्शन सब्जेक्ट पढ़ाते होंगे आपको बहुत सारी किताबें बताएंगे, लेकिन कुमार गौरव सर के जो मैंने अध्ययन किया है वो मुझे बताया था कि भौतिक भूगोल का स्वरूप आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऑप्शनल ज्योग्राफी जो लोग रख रहे हैं उनके पास होनी चाहिए, भौतिक भूगोल का स्वरूप। और सविंदर सिंह की जो किताब है, आइए देखते हैं किताबें। यदि ज्योग्राफी ऑप्शन यदि रख रहे हैं आप, तो पहले पेपर के लिए भू आकृति विज्ञान के लिए सविंदर सिंह या पी दयाल, जिनको किताब चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें किस पब्लिकेशन की किताब पढ़नी चाहिए, हमें किताब के नाम बता दीजिए। यदि आप पढ़ना चाहते हैं पेपर वन के लिए, पेपर वन के लिए जो भौतिक भूगोल का भू आकृति विज्ञान, सविंदर सिंह या पी दयाल की किताब आती है भू आकृति विज्ञान के नाम से। और जलवायु विज्ञान के जो है, जलवायु विज्ञान में आती है डी एस लाल की किताब आती है, मार्केट में दे सकते हैं। ये जितने भी किताब हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। और पर्यावरण की, पर्यावरण एवं जैव भूगोल पढ़ना है तो आप सविंदर सिंह की किताब आती है उसको पढ़िए। मानव भूगोल पढ़ना है तो माजिद हुसैन की पढ़िए, मानव भूगोल जो है माजिद हुसैन की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको लगभग मानव भूगोल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे लगभग इनके सभी किताबों से मिल जाएंगे और आपका अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। यदि अधिवास भूगोल पढ़ना है आपको, अधिवास भूगोल जो है एस डी मौर्य की किताब आती है, बहुत ही अच्छी किताब है। और आर्थिक भूगोल पढ़ना है, आर्थिक भूगोल के लिए काशीनाथ सिंह की किताब आती है, उसको पढ़ सकते हैं आप हैं। तो पहले पेपर में आप भू आकृति विज्ञान के लिए सविंदर सिंह या पी दयाल, जलवायु एवं समुद्र विज्ञान के लिए डी एस लाल, पर्यावरण एवं जैव भूगोल के लिए जो है सविंदर सिंह, मानव भूगोल के लिए माजिद हुसैन, और अधिवास भूगोल के लिए एस डी मौर्य, और आर्थिक भूगोल के लिए काशीनाथ सिंह की किताब आती है। और पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में भारत का भूगोल जो है माजिद हुसैन या आर सी तिवारी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तो आर सी तिवारी पढ़ता हूँ, और हालांकि माजिद हुसैन भी मेरे पास है, तो भारत का भूगोल जो है माजिद हुसैन या आर सी तिवारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको जनसंख्या भूगोल पढ़ना है अलग से, तो जनसंख्या भूगोल के अलग के लिए भूगोल आती है चांदना की किताब आती है हिंदी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको भूगोल और आपकी मैगजीन आती है प्रति महीने, आपको बताया हूँ। ये ऐसी मैगजीन है जो नए नए रिसर्च या कोई घटनाएं इस तरह होती हैं, क्यों कैसे घटनाएं हुई, इनका सारा व्याख्या जो आपको भूगोल और आप में मिल जाएंगे। तो ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आपको एक मैगजीन भूगोल और आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में कुरुक्षेत्र देख लें, जैसे कोई योजना परियोजना संबंधी बहुत सारे जो है पेपर टू में क्वेश्चन आते हैं, तो आप देख लें ज्योग्राफी पेपर वन और पेपर टू के लिए। ये सारी किताबें हैं, यदि आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। यदि आप शुरुआती में हैं तो आप जो पीछे बताए हैं इसको पढ़ लीजिए, पेपर वन पेपर टू के सबसे पहले। यदि आपको किताब चाहिए कि नहीं हमें बहुत अच्छे राइटर की किताब होनी चाहिए, तो इनको पढ़ने के बाद ही या पहले किताब लीजिए, पहले आप इनको पढ़िए।
पेपर वन पेपर टू जो आपको बताया एनसीईआरटी 9 to 12 और रेफरेंस बुक में सविंदर सिंह की पढ़िएगा। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए जो है माजिद हुसैन की फॉर ह्यूमन परस्पेक्टिव और मॉडल थ्योरी के लिए के सिद्धार्थ या माजिद हुसैन, मैं तो कहूँगा कि माजिद हुसैन ही मॉडल थ्योरी के लिए पढ़िएगा। और पेपर टू के लिए जो इंडियन ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 9 to 12 पढ़े और रेफरेंस बुक में डी आर खुल्लर की पहले पढ़े, 11 से 12 एनसीईआरटी किताब आती है और सरस्वती पब्लिकेशन के नाम से आती है वह, उसके बाद आर सी तिवारी या माजिद हुसैन ही पढ़े। मैगजीन में भूगोल और अपने शुरुआती दौर में जो नए नए लोग हैं जो भूगोल अपना सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में रखना चाहते हैं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, इसको पहले फॉलो करें। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा किताब यदि उनको पढ़ना है तो किताब के रूप में वह पेपर वन और पेपर टू के लिए मैं बता दिया हूँ, भूआकृति विज्ञान के लिए समुंदर सिंह या पी दयाल, जलवायु समुद्र विज्ञान के लिए डी एस लाल, पर्यावरण जीव भूगोल के लिए सविंदर सिंह, मानव भूगोल के लिए माजिद हुसैन और अधिवास भूगोल के एस डी मौर्य, आर्थिक भूगोल के लिए काशीनाथ, भारत का भूगोल माजिद हुसैन या आर सी तिवारी, जनसंख्या भूगोल के लिए चांदना। और भूगोल और आप मैगजीन आपको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है, साथ में कुरुक्षेत्र भी देखते रहें, ये किताबें हैं देख लीजिए, ये भारत ये भूगोल के नाम से ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए एक मोटी सी किताब है, ये बहुत मोटी है, आपको पेपर वन और पेपर टू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आप यूपी पी सी एस 2020 या 21 की तैयारी करते हैं तो महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसमें पेपर वन पेपर टू में कैसे पढ़ना है सारे सिलेबस के अनुसार ही इसमें क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी मोटी किताब होती है, लगभग ये 600 रुपये के आसपास किताब आती है, ये आपके पास यदि ऑप्शनल सब्जेक्ट रखते हैं तो आपके पास ये होनी ही चाहिए। भूगोल ये मुख्य परीक्षा के लिए स्पेशली आती है, मुख्य परीक्षा के लिए होती है, खुल्लर की डी आर खुल्लर की होती है, इसको लोग जो है रामायण के नाम से कहते हैं या महाभारत भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ही मोटी होती है पेपर वन और पेपर टू के लिए। जैसे पेपर वन में क्वेश्चन आते हैं कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, किन चैप्टरों से, सारा इसमें बताया गया है, आपको सारा कवर मिल जाएगा, यदि पढ़ना हो तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक ही किताब आपके लिए सभी कवर कर देगा डी आर खुल्लर की। और साथ में भौतिक भूगोल का स्वरूप सविंदर सिंह के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भौतिक भूगोल नहीं, भौतिक भूगोल का स्वरूप ये जो है वैकल्पिक भूगोल वैकल्पिक विषय भूगोल के लिए है यह। और आशी तिवारी की जो है भारत का भूगोल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें लगभग सभी खंडों को कवर किया गया है और अच्छे से किया गया है, कुछ आपका छूटेगा नहीं। यदि माजिद हुसैन का पढ़ना है भारत का भूगोल, ये किताब आती है, ये बहुत अच्छी किताब है माजिद हुसैन की, भारत का भूगोल जो आपको हमने बताया था भूगोल, और आप ये मैगजीन हर महीने आती है, आपको इसमें जितने भी नए रिसर्च या घटनाएं जो होती हैं क्यों कैसे होती हैं सारा आपको इसमें उल्लेख होगा। अधिकांश क्वेश्चन जो करंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो मुद्दे वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको भूगोल और आपसे तैयार हो जाएगा। अधिवास भूगोल के लिए आती है एस डी मौर्य का, आपको बताया है। और भौतिक भौगोलिक चिंतन का इतिहास माजिद हुसैन मॉडल थ्योरी जो आती है ये माजिद हुसैन की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और मानव भूगोल आती है माजिद हुसैन की, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देख लीजिए आपको क्या पढ़ना है, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि सबसे पहले जो है आप इन पर फोकस करिए, शुरुआती में यदि आप अच्छे से तैयार करना चाहते हैं तो पहले आप एनसीईआरटी और रेफरेंस बुकों से तैयार कीजिए। यदि आप पढ़ते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, तैयार हो जाता है, आपको लगता है कि नहीं हमें स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए, तब आप किताब इसको खरीदिए। मैं तो कहूँगा कि सबसे पहले है अगर आप तैयारी करते हैं तो भारत का ये भूगोल ले लीजिए, ये जो है मुख्य परीक्षा के लिए स्पेशली डी आर खुल्लर की आती है, इसको रामायण कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में भौतिक भूगोल का स्वरूप रखिए आप, और भारत का भूगोल में आप या तो माजिद हुसैन या आरसी तिवारी रख लीजिए, और साथ में मैगजीन लेके पढ़िए, आपका सब तैयार हो जाएगा। आपको अधिवास भूगोल भी इसमें मिल जाएगा, भौतिक भूगोल का चिंतन भौगोलिक चिंतन का इतिहास मिल जाएगा आपका, और मानव भूगोल भी आपको मिल जाएगा। यदि आप अलग अलग पढ़ना चाहते हैं तो आप किताब ले सकते हैं सबके अलग अलग, जो हमने आपको इसमें आपको बताया है पेपर वन और पेपर टू के लिए ये, लेकिन शुरुआती में पहले आप इसको पढ़ें उसके बाद ही कोई किताब पढ़ें। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें, इससे संबंधित जो है हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी से, तब तक लिए धन्यवाद।